खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पुणे में 4 घंटे की बारिश क्या हुई, पूरे शहर का बुरा हाल हो गया। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, कई इलाकों में तो बिजली गुल हो गई। पुणे के सहकार नगर में दीवार गिरने से 5 लोगों की जान चले गई। जिन लोगों की मौत हुई उनमें एक बच्ची भी शामिल। सुबह जाकर जब बारिश रुकी है तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन रात में क्या हालात थे उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। पुणे के उपनगरीय इलाकों काटरज, सातारा रोड, सिहगढ़ रोड पर बुरा हाल है। तस्वीरें देखें, ये खुद बयां कर रही हैं वहां के हालात। आज बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन एहतियातन स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है और कुछ इस तरीके के हालात पुणे शहर के हो गए हैं। महाराष्ट्र का बेहद हाईटेक शहर, महाराष्ट्र का दूसरा बड़ा शहर जिसके हालात देखिए किस तरीके के हो गए, और ये रात की तस्वीरें हैं। हालांकि अब राहत की बात यह है कि पानी निकल चुका है, बारिश थम गई है, तो कुछ राहत की सांस पुणे वासियों ने जरूर ली होगी। लेकिन रात में देखिए किस तरीके के हालात थे। ये अपार्टमेंट का बेसमेंट है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से लबालब पानी भरा हुआ है, आधे पिलर्स पानी में डूब गए हैं, किस तरीके से लोगों की गाड़ियां पानी में फंस गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रात की तस्वीरें। देखिए बेसमेंट में जो गाड़ी खड़ी है वो भी पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। सड़क पर देखिए कैसे फ्लैश फ्लड जैसी तस्वीरें दिखाई दे रही है, बहुत तेज बहाव में यहाँ पानी बह रहा है और लोग किस तरीके से सड़क पर है, लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आ रही है। हालात एकदम एकाएक इस तरीके के हो गए हैं। पुणे में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही थी, राहत की बात इस बीच में ये आ रही है कि सुबह से बारिश थमी हुई है, लेकिन कुछ दिनों की बारिश ने पुणे का क्या हाल कर दिया है, ये तस्वीरें आपके सामने। अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता मंदार गुंजारी से, जो कि लगातार हमारे साथ तस्वीरों के साथ भी बने हुए हैं। मंदार, ये वाकई हैरान करने वाली तस्वीर है पुणे की। एक विकसित शहर है पुणे, कुछ घंटे की बारिश, 4 घंटे की बारिश ने पुणे का ये हाल कैसे कर दिया। बीती रात यहाँ पर जो घटा है वो यहाँ के लोगों ने इससे पहले कभी भी अनुभव नहीं किया था। लगभग 8:30-9 बजे यहाँ पर बारिश शुरू हुई और रात 2:30-2:30 बजे तक बारिश चलती रही, लेकिन इस बीच यहाँ पर जो हुआ वो इस तरीके का था। यहाँ पर हम एक गंगा तीर्थ नाम की सोसाइटी है, इस सोसाइटी के बाहर हम खड़े हैं और इस सोसाइटी की जो गाड़ियाँ हैं वो इस तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि पानी के बहाव की वजह से जो कंपाउंड वॉल है वो इस तरीके से इन गाड़ियों पर गिर गई। पूरी तरीके से यहाँ पर मलबा फैला हुआ है, कीचड़ फैला हुआ है, लेकिन नुकसान सिर्फ इन सैकड़ों गाड़ियों का नहीं हुआ है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर टांगे वाला कॉलोनी है, वहाँ के लोग पानी में फंसने की वजह से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग बाहर आए और इस कंपाउंड वॉल के आसपास उन्होंने आसरा लेने की कोशिश की, लेकिन बहाव की वजह से ये कंपाउंड वॉल कुछ लोगों के ऊपर गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग जो है वो पानी के बहाव के साथ बह जाने से उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ के लोगों की माने तो कुल 7 लोग अभी तक यहाँ पर उनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसा यहाँ पर ये हालात है। लेकिन ये हालात सिर्फ इस अरण्येश्वर और सहकार नगर के ही नहीं है, पुणे का कातरज का इलाका हो, धनकौड़ी का इलाका हो, सिंहगढ़ का इलाका हो या फिर दत्तवाड़ी का इलाका हो, सभी जगहों पर बारिश का ये कहर बीती रात होता रहा। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, आप यहाँ पर थे, आपने इस हालात में मदद मांगने की कोशिश की थी क्या, किन से मदद मांगी और आपके पास मदद पहुँची क्या। हमने सब लोगों से, पुलिस वालों से मदद मांगी थी, अग्निशामक वालों से, फायर ब्रिगेड वालों से फ़ोन किए थे, किसी से मदद आ गई नहीं। बहुत बार फ़ोन किए, फ़ोन भी आए नहीं उनके, फ़ोन भी उठाए नहीं उन्होंने। उसके बाद हम ही लोगों ने सब मिलके, यहाँ के जो मंडल के लोग थे, सब बच्चे लोग थे, उन्होंने मिला के सब लोगों को बाहर निकाला। आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हो और इतनी बारिश, 1979 से हम, इतनी बारिश, इतना नहीं, पानी कभी देखा नहीं, नहीं 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 नहीं, पहले पहली बार हुआ ऐसा। अच्छा, आपने मदद मांगी किसी को और आपको क्या मदद मिली। कुछ मदद मिली नहीं, पुलिस के पास किया था फोन, कुछ मदद आई नहीं है अभी तक, और कोई प्रशासन वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया। अभी एक एक जन के आ रहे, लेकिन इतना बड़ा ये पानी था, बहुत तकलीफ हो रही थी। ये जो बारिश हुई, इतनी बारिश पुणे में इससे पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसे इन बुजुर्ग लोगों का कहना है। लेकिन यहाँ पर लोगों की अपेक्षा थी कि कोई मदद के लिए पहुँचे, लोगों ने मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा और अभी तक भी कोई नहीं पहुँचा है। सिर्फ इन गाड़ियों का नुकसान नहीं है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर 7 लोग भी मारे गए, लेकिन अभी तक उस जगह पर भी कोई नहीं पहुँचा है।
पुणे में बीती रात हुई बारिश जानलेवा साबित हुई। तांगेवाला कॉलोनी में बारिश ने लोगों के घर में तबाही मचाई तो लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागे, लेकिन जिस दीवार का सहारा लिया वो दीवार ही गिर गई, वही उनकी मौत का कारण बन गई और 7 लोगों की इसमें मौत हो गई। पुणे के सहकार नगर इलाके के इस टांगेवाला कॉलोनी में बीती रात यहां पर आई बाढ़ की वजह से लगभग 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ऐसा यहां के लोगों का कहना है। ये सारे घर पानी की वजह से ध्वस्त हो गए हैं। यहां पर अगर हम देखें तो यहां के लोगों के घरों में कुछ भी बाकी नहीं बचा है, घर की सारी वस्तुएं इस तरीके से अस्त व्यस्त फैली हुई है, पानी से यहां पर इस सारी वस्तुओं का नुकसान हो गया है और लोग यहां से कुछ भी बचा नहीं पाए। यहां जब पानी बढ़ने लगा तब लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए यहां से जो मुख्य रास्ता कुछ ही दूरी पर है वहां पर दौड़ लगाई, लेकिन कुछ लोग जब एक सोसाइटी के कंपाउंड वॉल से सटकर खड़े थे वहां से वो वहां पर खड़े होकर वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब वो कंपाउंड वॉल ही गिर गई जिसकी वजह से कुछ लोग जो है वो वहां पर उनकी मौत हो गई और कुछ लोग यहां से जो पानी बह रहा था उसकी वजह से बहकर चले गए और उनमें उन लोगों की मौत हो गई। यहां पर हम अगर देखें तो घरों में 8 से 9 फीट पानी भरा हुआ था। ये घरों की घर के अंदर की चीजें हैं, लोगों के बेड है या फिर ये कूलर दिख रहा है, टीवी दिख रहा है, गैस सिलेंडर दिख रहा है, फ्रिज दिख रहा है, ये पूरी जो चीजें हैं वो इस पानी की वजह से बाधित हो गई। यहां पर कितने बजे ये दुर्घटना हुई और आपने यहां मदद के लिए किसको बुलाया था? क्या हमने यहां पे पुलिस को बुलाया था, फायर ब्रिगेड को बुलाया था, लेकिन वो बोल रहे कि हम लोग पहुंच नहीं सकेंगे यहां पे, हम लोग अभी तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मृत्यु हो गई यहां पे। अगर सही टाइम पे वो पहुंच जाते तो 3 से 4 लोग बचे। कितनी डेड बॉडीज अब तक? अब तक 6 डेड बॉडीज मिली है और 2 लोग मिसिंग है। अच्छा, तो 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 2 लोगों का अब तक पता नहीं है। ये पूरे घर असल में यहां से आगे जाना भी मुश्किल है क्योंकि ये घरों की जो दीवारें हैं वो बीच में गिरी हुई है और साथ ही घरों के अंदर का जो सामान है वो भी इस तरीके से रास्ते पर आया हुआ है। कुछ जो वाहन है, जो 2-व्हीलर्स है, वो भी बहकर वहां आगे जाकर अटकी हुई हम देख सकते हैं। इससे अंदाजा लग सकता है कि यहां पर कितना पानी था। कल रात को ये आपके घरों के कहां तक पानी पहुंचा था? पीछे इसके नाला है, यहाँ नाले से अंदर पानी आया और वहां से रोड से भी अंदर आया, दोनों जगह से पानी आया, इसलिए हम लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अच्छा, हम लोग यहाँ से पतरे से ऊपर गए और पीछे जंप मार के बाहर निकले। तो यहाँ आपके घर पूरे के पूरे पानी, हम पतरे के ऊपर खड़े थे। अच्छा, यहाँ से हम बाहर निकले, 20 फुट पानी था, 20 फुट यहाँ से हमने कम से कम 30-35 लोगों को रेस्क्यू किया है। तो इन लोगों का कहना है कि उन्होंने मदद के लिए गुहार तो लगाई थी लेकिन कोई यंत्रणा वक्त पर नहीं पहुंच पाई। बाद में कुछ फायर ब्रिगेड के लोग आए जरूर लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुणे के कातरज, धनकवड़ी, सहकार नगर, अरण्येश्वर, ये सारे इलाके इस बाढ़ की वजह से बाधित हुए हैं लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इस टांगेवाला कॉलोनी में हुआ है जिसमें इन लोगों के मुताबिक 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कैमरामैन अमोल गवाले के साथ मंदार गुंजारी, एबीपी न्यूज पुणे। हम दिखा रहे हैं आपको पुणे की वो तस्वीरें जो दिल दहलाने वाली हैं, सवाल पूछने वाली हैं कि विकसित शहर पुणे का भी 4 घंटे की बारिश में क्या ये हाल हो सकता है। 3 तस्वीरें आपके सामने, इतना नुकसान हुआ है पुणे में इस 4 घंटे की बारिश में कि पूछिए मत। कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है, हर तरफ पानी ही पानी है, रास्ते सड़कें पानी से लबालब भरे हुए हैं। हालांकि अब थोड़ी राहत है क्योंकि रात के बाद बारिश अब थम गई है, पानी निकलने लगा है। पुणे के लोगों का कहना है कि ऐसी बारिश कई सालों बाद उन्होंने देखी है, कई दशकों बाद ऐसी बारिश देखी है। देखिए गाड़ियों को नुकसान हुआ है, शहर में पानी ही पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, सालों की बनाई गृहस्थी तबाह हो चुकी है, घर का सामान खत्म हो चुका है। कुछ घंटे की बारिश ने क्या किया पुणे का हाल, देख लीजिए विस्तार से।